आप स्टार्ट कर सकते हैं जी। अमित जी अमित जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। एंड सशी जी और पल्लवी जी, आपने बहुत इंफॉर्मेटिव वाटर के ऊपर इतना एक कंप्लीट एक नॉलेजेबल एक अभी जो शेयर किया है वो बहुत ही अच्छा लगा है मुझे सुनकर। और मैं इसमें मैं भी समझता हूँ कि जैसे वाटर है तो 70% बॉडी के अंदर ऑलरेडी वाटर ह्यूमन बॉडी के अंदर होता ही है। तो नेचर ने हमें कितना ज़्यादा पानी पे डिपेंड किया है, बॉडी को ऐसे डिज़ाइन ही किया, और इवन हमारे पूरे ये प्लानट में भी उतना ही काफ़ी एरिया वाटर का ही है। और तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ऑक्सीजन वगैरह के बाद अगर हम जो डेली बेसिस पे अगर हम बॉडी को सर्वाइव करने के लेते हैं तो हम वाटर के बिना हम शायद नहीं रह सकते कुछ ज़्यादा देर तक भी। इवन हम फास्टिंग भी करते हैं तो पानी के सेंसर तो रहती ही रहती है चाहे किसी चीज़ की हो ना। तो ये जब हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं नेचर के इस रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए तो एक अपने आप ही एक अट्रैक्शन और रिस्पेक्ट और उसको सेव करने की इच्छा तो आ ही जाती है। जहाँ की मैं तो अपने आप समझता हूँ, मुझे तो इस चीज़ के जितना प्लांट के ऊपर है उतना वाटर के ऊपर ये भी रहता है, इवन सभी पंच तत्वों के लिए है। तो आज जहाँ तक वाटर की अगर पानी की बात हो रही है तो वाटर के लिए मैं अक्सर जब मैं हीलिंग के लिए उसके पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ, देखता हूँ हीलिंग का इसमें जो यूज़ है तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे स्पाइनल जो हमारे ये रूट जो हमारे जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है उसको इस तरह से हम बेंड करके रहते हैं तो सबसे ज़्यादा जो ब्लड का जो जो एनर्जी जो ब्लॉक होती है उस जगह पे होती है। तो इसीलिए हमारे जो शास्त्रों में सूर्य स्नान को जल देने का और ऐसा बहुत सारे रिचुअल्स के तौर पे ये साइंस समझाने की कोशिश की गई थी ऋषियों के द्वारा। तो अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है और उसकी प्राण शक्ति अलाउ करती है, पानी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, तो अगर डे टू डे लाइफ में वैसे तो सत्य जी ने ऑलरेडी बताई दिखा कैसे इसको यूज करते हैं तो मैं वो वाला पार्ट जरूर करता ही रहता हूँ। अगर किसी के पास रोटी नहीं भी है तो मोटे कपड़ा को गीला करके उस पर थोड़ा लेट जाके वो वाला एरिया सबसे ज्यादा इवन योगा में भी या फिर मेडिटेशन में भी उस वाले पार्ट के जो चक्रा को ज्यादा हील करने की बात की जाए तो वहाँ पे वाटर जब 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 उसका स्पर्श होता है तो पूरे बॉडी को अपने आप हील कर देता है। तो ये तो हीलिंग का प्योरिफिकेशन में जो जो क्लीन पानी को क्लीन करने के बाद तो मेरा बहुत अच्छा शशि जी जैसा ही एक एक्सपीरियंस रहा है। कल मैं गार्डन में मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि पानी का बच जाता है तो वैसे ही मैं पाइप से नहीं ऐसे ही मतलब मग से असल तक पानी देना पसंद करता हूँ, उसमें बहुत पानी का वेस्टेज होता है। तो ये तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा है तो चलो क्या हो जाएगा थोड़े से, लेकिन जब वही बात है ना कि जैसे आप जब किसी को एकदम जीव की तरह समझने लगते हो तो आपको अपने आप से एक लगाव हो जाता है। तो मैंने पानी छोड़ दिया था तो यहाँ पे दिल्ली का टेम्परेचर 48-45 अराउंड रहता है अभी अभी नाउ डेज। तो मैंने देख रहा हूँ धूप में पानी है लेकिन इवनिंग में अराउंड 5-6 इस समय तो एकदम पीक पर तो नहीं होता है लेकिन जस्ट स्विच कर रहा होता है मतलब टेम्परेचर मतलब दोपहर वाला जो होता है हार्ड वाला वो नाइट में वो इवनिंग में जा रहा था तो भी उतनी गर्मी पर्याप्त होती थी पूरा दिन ही, लेकिन वो पानी जब मैंने हाथ डाल के देख रहा हूँ बिल्कुल ठंडा है एकदम ठंडा। तो ये नेचर मतलब मुझे बात समझ में आ रही कि जब हवा का स्पर्श हो रहा है खुले में वो चीज़ है तो पानी कितना शीतल है अभी भी। तो यही चीज हम जब रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे थे जैसे जी ने बताया कि खुले में रखो तो ये बात कितनी ज़्यादा रिलेटेबल है। और मैं भी वैसा ही करता हूँ, इवन मैं तो आरओ वाटर भी यूज़ नहीं करता हूँ, सफाई के लिए मैंने बस मैनुअल वाला फिल्टर यूज करता हूँ। और एक बहुत अच्छा स्वामी जी ने भी बताया था कि पानी को अगर एक कंटेनर में किसी स्टील के चौड़े बर्तनों में अगर आप रात भर रख देते हो और पूरा दिन भर रख देते हो और उसको सूती कॉटन कपड़े से ढक देते हो तो अपने आप ही पानी के जितने भी क्लोरीन है सब कुछ मतलब वो क्लीन हो जाएगा उस सनरेज से, जैसे नेचर ने इसको डिजाइन किया पॉन्ड में। और इस तरह पानी सबसे साफ होता है क्योंकि ऊपर से वो निकल रही होती है, सनरेज जा रही होती है, हवा क्लीन
क्लीन कर रही होती, तो अपने आप नेचुरली हो जाता। तो मैं काफी टाइम से यही यूज कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पूरे फैमिली में यही यूज होता है पानी। अब जहाँ तक कि अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको सेव करने की, तो मैं तो जब छोटे छोटे स्टेप्स करके ही समझ, जैसे पल्लवी जी ने बहुत अच्छा बताया कि हम पानी को यूज इस तरह से कर सकते हैं, उसको रीयूज कर सकते हैं। जैसे हमने टेंपल वगैरह क्लीन किया तो उसको ये कि, तो बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा आइडिया है, इवन सबको करना चाहिए। बट मैं डे टू डे लाइफ में क्या देखता हूँ ना, कि कई घरों में अलार्म नहीं है, ऊपर का पानी इतना ओवरफ्लो हो रहा होता है, उनको कोई मतलब नहीं होता है, पानी आ रहा है तो ये देख देख इतना कभी कभी हार्ट क्राई करता है। तो ये जिनके जिनके जो लोग सुन रहे हैं, कई घरों में शायद अलार्म नहीं भी होते हैं, कई लीटर हजारों लीटर पानी वेस्ट चला जाता है। तो इन सब चीज़ों पे भी लोग ध्यान देंगे तो हम काफ़ी हद तक नेचर के इस पानी के रिसोर्सेज को सेव करने में अपना छोटा सा सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हम एक ही क्यों है, लेकिन हमारे से लौट के वो आएगा ही कर्मा के थ्रू करने से। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा एक आज का एक ये है पानी के ऊपर। थैंक यू। थैंक यू अमित जी। एक बात आपकी बहुत अच्छी लगी मुझे, जो मैं भी शायद अब अप्लाई करूंगी। एक बहुत अच्छा शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग इवेंट है जिसमें अमित जी ने ये शेयर किया कि पानी को कैसे हम सन की वैल्यू से क्लीन कर सकते हैं। तो इस चीज को मैं भी अपनी लाइफ में अब उतारूंगी। मैं सन की क्लीनिंग हाँ, ये वाटर चार्ज वाटर जो आप करेंगे कहीं भी, तो सन चार्ज वाटर के जो पूरा जो टेक्निक है ना वो मिल जाएगा। स्वामी जी ने भी इसको बहुत अच्छे से बताया हुआ है बुक्स में। सन चार्ज वाटर इसको बोलते हैं, और हंसोदक वाटर भी बोलते हैं। इसमें चांद की जो मून का जो एनर्जी है और सन की एनर्जी दोनों आ जाते हैं, क्योंकि बॉडी में दो एनर्जी से हमेशा बना हुआ, मून एनर्जी वाला भी लेफ्ट पार्ट है। तो पानी के अंदर वो सारी न्यूट्रिशंस हो जाता है पानी, और बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, वो पूरा क्लोरीन फ्री हो जाता है। अमित जी, बस एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि जब आप अपने पानी की इस तरह से सन चार्ज करते हैं, तो आप पानी को किसी कपड़े से ढकते भी हैं या मैं बिल्कुल एक्चुअली स्ट्रेट? टैप वाटर से मैं पानी निकाल कर उसको पहले मैंने स्ट्रेन करके छान लेता हूँ अच्छे सूती कपड़े से। उसको किसी चौड़े बर्तन में अगर आप रख देते हो, और उसको वैसे तो स्वामी जी ने उसको बहुत ज्यादा टेक्निकली बताया कि हरे पत्ते से करो, तो बट उतना अवेलेबल सबके पास नहीं होता है। तो आप उसको छान कर रख दीजिए उस पानी को, और एक कॉटन के वैसे कपड़े से कीजिए जिसमें रोशनी तो जा रही हो और ब्रीदेबल क्लोथ हो, और उसमें जो गंदगी ना ज्यादा जाए। वो ठीक, हाँ गंदगी नहीं जाए, बस उनका यही मतलब उसमें ये होना चाहिए हमारा एक। बट उसको पानी को आप रात भर छोड़िए, अगर आपने डे में लगाया तो पूरे सन के रेस के सामने रख दीजिए, और फिर उसके बाद रात में भी रहने दीजिए उसको मून की रोशनी में। नेक्स्ट डे पानी को पीजिए, और एक जब वो पानी यूज हो रहा होता है अगले दिन, तो एक एक्स्ट्रा आप पॉट रखिए ताकि नेक्स्ट डे के लिए वो प्रिपेयर हो जाए। तो इस तरह से कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल है एकदम। और वो पानी पियोगे, अगर पीने में इतना उसमें मतलब ऐसा स्वाद होता है, जैसा लगता है कि बहुत स्वीट वाटर है। जैसे हमने मतलब वैसे तो पानी तो हमारे गवर्नमेंट के जल बोर्ड से ही आ रहा होता है, लेकिन फिर भी उस पानी को हम इस तरह के जो आजकल केमिकल है, जो क्लीन क्लीन प्यूरिफायर प्यूरिफायर जो आजकल के आज के डेट में है, उनसे तो काफी बेहतर ही होती है। आपको मिनरल्स भी मिलेंगे, जैसे शशि जी ने बताया मिनरल्स चले जाते हैं, हम पानी साफ तो देख रहे हैं लेकिन मिनरल्स कहाँ है वहाँ। बिल्कुल अच्छा। और ये मिनरल नहीं होने का पता धीरे धीरे करके लगता है, जब आपको ऑस्टियोपोरोसिस होता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। अब धीरे धीरे हमें नेचर की ओर लौटना ही होगा, धीरे धीरे, क्योंकि हम आगे तो बढ़ गए, इस आधुनिक युग में बहुत आ गए। अब डिहाइड्रेशन की हमने जो बात कही थी, खाने पीने को भी लेकर, और एसी का जो ये रोग है, एसी, पहले कूलर में पानी वेस्ट होता था, अब एसी में पानी तो इतना नहीं वेस्ट होता है कुछ भी, लेकिन हमारे बॉडी का पानी वो सोखता रहता है, पूरा घर बंद और बॉडी का पानी। तो धीरे धीरे करके हमको एसी के डब्बे को भी उठा के बाहर फेंक देना है। इस बार इतनी गर्मी पड़ी, एक दिन भी एसी नहीं। जब तक आप ये मन नहीं बनाएंगे यू टर्न का, तब तक तो आप तड़पते ही रहेंगे, भागते ही रहेंगे, और कभी मतलब बड़े बड़े रोग जो आपके अंदर एकुमुलेट हो रहे हैं गांठ के रूप में, कुछ ना कुछ कहीं यहाँ कहीं वहां कैविटी में, वो क्या है, ये गंदी चीजों को निकलने का हम कुदरती मौका ही नहीं देते। कुदरत के साथ रहने की हमारी आदत ही छूट गई है। ठीक है, गर्मी है तो आप थोड़ा बहुत चाहे कूलर इस्तेमाल कर लें,
घर में कोई मोटी पहले कपड़े होते थे, दरी होती थी, उसको भी बिछाया जाता था, अब तो घर भरा हुआ है, वो सब भी सांस ले रहे हैं। एक तो घरों को हल्का रखें, भारी भारी कर्टन, भारी भारी सोफे, भारी भारी चीजें किसको दिखाना है, हर दिखावा कष्ट साध्य है। सबसे बड़ी बात तो ये, हमने हमें बहुत ये लाइन अच्छी लगी कि हर दिखावा कष्ट साध्य है, सुख अपने अंदर है, आप साफ सुथरे रहें। तो मोटे कपड़े पे पानी डाल के अगर रखें ना, तो पानी किस तरीके से हमें सुख देता है, पानी के सुख बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन से भी अपने आप को बचाएं, गर्मी अगर से बचना है, इस साल के गर्मी का मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, नहीं सताया गर्मी ने, नहीं चलाया एसी वगैरह कुछ भी, नहीं सताया। क्यों? क्योंकि हमने अपने अंदर ऐसी चीज नहीं भरी जो हमारे अंदर पीड़ा पैदा करे, ऊर्जा ऐसी गर्मी पैदा करे। जो पहले आपको ये कॉन्सेप्ट बताया कि नर्व के दबाव से, ऐसी चीजों को लेने से हमारा नर्वस सिस्टम में जो दबाव आता है, उसकी वजह से वहां पर ये गंदगी की वजह से वहां दबाव आया, और दबाव की वजह से वहां पर दर्द बनता है, तो कुछ भी नहीं बना। तो आप अपना आहार लें, मौसम की फल सब्जियों को ज्यादातर लें। और दूसरी बात, जब हमारे गुरु जी ने भी ये बात बताई कि हमारे लेडीज का, महिलाओं का ज्यादातर समय किचन में ही निकल जाता है। अब गर्मी के दिन है, आपका समय तो किचन में ही निकल रहा है। एक तो गर्मी कुदरत की तरफ से आ रही, दूसरे घरों में जो आग जल रही उससे गर्मी आ रही, तीसरे और भी चीजें रखी उससे भी गर्मी आ रही, तो गर्मी में गर्मी और आप उलझते चले जा रहे हैं। तो अब सुलझाने का समय आ गया है, हम सब मिल के इस बात को सुलझाएंगे, बड़े प्यार से सुलझाएंगे, एक साथ जुट कर सुलझाएंगे। लेकिन इसमें संगठन की जरूरत है, इस मिशन में। तो अब हमारे साथ पल्लवी जी हैं, अमित जी हैं, और आज मनीष जी हमारे साथ नहीं है, वो ट्रैवल में हैं, इस वजह से, नहीं तो वो भी होते। और भी इसी तरीके के एक्टिविस्ट लोग आए, अपनी आवाज को आगे करें, सबके पास क्वालिटी है, कोई ऐसा नहीं, सब मिलकर इस जगत को अच्छा बनाएं, बस मेरा तो यही सोच है, आपका क्या है वो आप बताएं अब। थैंक यू शशि जी और अमित जी, ये इन्फॉर्मेशन मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और आई थिंक बहुत छोटी सी चीज है जिसमें कोई सैक्रिफाइस नहीं है लेकिन उसके गुण बहुत ज्यादा हैं, तो इसको क्यों ना अपनाया जाए। फिलहाल हमारे साथ शशि शिल्पी जी जुड़ना चाहते थे। शिल्पी जी, अगर आपको कुछ कहना है या शेयर करना है तो प्लीज मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, और आप अपने आप को अनम्यूट करके भी आ सकते हैं। हेलो शक्ति जी और पल्लव जी, मैंने भूपेंद्र से है ना सुन के ये चालू किया था, और जब मैंने ये चालू किया उसके बाद मैंने शशि जी से भी बात करी थी, और उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगा ये सब करके कि मैं अभी भी फॉलो कर रही हूँ उसको। तो मतलब मेरे को जो प्रॉब्लम्स थी वो थोड़ी कम होने लगी, और है ना मेरे ब्लड वर्क वगैरह हुए थे तो उसमें भी मेरे को बहुत फायदा दिखा। तो मैंने भूपेंद्र को भी बताया था कि है ना मेरी ब्लड रिपोर्ट्स अच्छी आई हैं, तो मतलब ये बहुत अच्छा तरीका है। मैं मतलब थैंक यू बोलना चाहूंगी भूपेंद्र और शशि जी को कि उन्होंने मुझे गाइड किया और उससे मैंने ये लाभ उठाया। शिल्पी जी, आप कहाँ से बोल रहे हो? हाँ, कनाडा से। हाँ, इसी वजह से मैंने रात, हमारी इंडिया में तो इस समय रात का समय है, इसीलिए रखा कि जो अगर हम 11 बजे रखते तो आप लोगों का मिडनाइट हो जाता। और ये बड़ी अच्छी बात है कि बताना तो मेरा फर्ज है शिल्पी, लेकिन जो लोग सुनकर समझकर अंडरस्टैंडिंग के द्वारा उसको फॉलो करते हैं, सच्चाई से फॉलो करते हैं, तो उनको रिजल्ट भी बहुत जल्दी जल्दी मिलने लग जाते हैं। सो आप चलते रहो, आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी बिना उसके अंदर कोई संशय पैदा किए, क्योंकि संशय करने से आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। आप करते रहो करते रहो, बीच में हम ऐसी क्लासेस भी लेते हैं, अदरवाइज आप लोग सबके लिए ओपन है, आप फोन पर भी बात करते ही हो, कहीं भी कोई डाउट आए, क्योंकि रास्ता नया है और इस पे चलना भी नया है, तो कुछ ना कुछ तो शंका आएगी, तो उसको आप समाधान करते हुए आगे बढ़ते रहो और हेल्दी हो जाओ, मेरी तो यही शुभकामना, यही सोच है। बिल्कुल सही। थैंक यू शिल्पी जी, बहुत अच्छा लगा, आपकी हीलिंग हो रही है और इसी तरह होती रहे, और हमको आप गुड न्यूज देते रहें और शेयर करते रहें अपना अनुभव इन फ्यूचर। हरप्रीत जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। अभी भी जिसको बोलना है वो प्लीज फॉरवर्ड आए और अपना कुछ शेयर करें, अनुभव या कोई विचार आपके, वंशिका या कोई है, क्वेश्चन हो। वंशिका ओके,
कौर भंडाल जी हैं जो बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद सतीश जाम जी को मैं मौका देंगे। पर अभी कौर जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, प्लीज फॉरवर्ड, अपने आप को अनम्यूट करके आइए। हेलो, हाँ जी मैम, नमस्ते, हेलो आप सबको कौर। नमस्ते। मेरे को ना फीवर आया है, जैसे कि मैंने जो जो उपेंद्र, मैम ने मुझे बोला मैंने वही फॉलो किया। पहले दिन फील हुआ कि हाँ मेडिसिन ले लूं, बट आज तीसरा दिन है भी, आज बेटर ही होता जा रहा है भी। कोई मेडिसिन नहीं खा रही हूँ मैं, पहले थायराइड खा रही थी, अब 3-4 दिन से वो भी नहीं खाई है वैसे तो। तो कौर, कोई हाँ मेडिसिन नहीं ली मैं, पेन भी इतना था, सब कुछ था, बस मैंने पानी पिया। जैसे खाने को दिल कुछ नहीं कर रहा, मैंने ऐसे कुछ नहीं खाया। जैसे कल मैम ने मुझे बोला कि स्मूदी लेनी है, प्लम और उसकी टमाटर की, तो वो मैंने ली, तो उससे बेटर फील हुआ मुझे, मुझे अच्छा फील होता है। सब कुछ, मेरे में कॉन्फिडेंस लेवल अप हो गया है कि मैं ठीक हो गई हूँ, धीरे धीरे हो रही है। थैंक तो यू भूपेन मैम, भी, हाँ थैंक यू भूपेंद्र, ये भी कनाडा से है, इस नई शिल्पी को बताया, और इनके हस्बैंड भी अब फॉलो करना स्टार्ट करें, है ना भूपेंद्र, या धीरे धीरे कर रहे हैं। और वो बोल रहे हैं वेरी कि धीरे धीरे सपोर्टिव, पूरा कर लूंगा, धीरे धीरे छोड़ रहे हैं सब कुछ। एंड यू आर वेरी लकी, क्योंकि हस्बैंड सपोर्ट करे, फैमिली सपोर्ट करे, तो हमें बहुत ही ज्यादा, हम आगे जल्दी से बढ़ते हैं, है ना, तो ये तो बहुत ही आप डिवाइन हो कि आपको सपोर्ट मिल रहा है, हाँ जी मैम, और ऐसे ही करते रहो, लोगों को भी बताते रहो, वहां के लोग भी अवेयर हो जाएं, आपकी वजह से बाहर के लोग भी अवेयर हो रहे हैं। हाँ और जी, कई बार ऐसा होता है, मेरे कुछ मित्र हैं जो आ नहीं पाते हैं चैनल पे, लेकिन जब हम शेयर करते हैं अपना अनुभव उनके साथ और वो करके देखते हैं तो उनको भी लाभ होता है। तो ये तो ऐसे है कि हमने किया और हम दूसरों का मार्गदर्शन खुद भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस नॉलेज को सभी, हम सभी 13 लोग अगर अपनी नॉलेज को किसी एक को भी देते जाएंगे तो ये चीजें बढ़ती जाएंगी, हमारा समाज में परिवर्तन आ जाएगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आएगा जरूर। हाँ जी मैम, बिल्कुल, तो सब, हाँ यही बात भी मैं भी कहना यही चाहती हूँ कि लोग आते हैं, थोड़ा सा औरों को बताएं, हमें भी और मोटिवेशन मिलता है, किस किस तरीके के मैं प्रोग्राम आपके सामने रखूं जिससे आप लोग खुश हों, आपको निरोगी वो माहौल मिले। थैंक यू भूपेंद्र जी। अब हम सतीश श्याम जी को अनम्यूट कर रहे हैं। मधु जान सतीश जी, जाम जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके आ सकते हैं अब। हाँ जी नमस्कार, मैं मधु झाम बोल रही हूँ। हाँ जी मधु जी, नमस्ते, नमस्ते और जी। आपकी डॉटर नहीं ज्वाइन कर पाई क्या? इंगेज, आज भी उसका कहीं जाना था, उसका अच्छा कुछ इनवाइटेड थी कहीं, तो वहां जाना पड़ा। तो कह रही थी ओके, नहीं, मैं बाद में रिकॉर्डिंग सुन लूंगी जरूर, अगर जल्दी वेरी आ गुड, गए तो जरूर ज्वाइन करूंगी, पर शायद पॉसिबल नहीं होगा। तो अच्छा, उसको फायदे हो रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रही थी, हस्बैंड कह रहे थे कि जैसे मटके का पानी है, हम लोग आधा यूज किया और आधा बच गया, तो फिर अगले दिन हम उसको खाना बनाने में और पीने में यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आप जो बच जाता है उसको आप निकाल सकते हैं, और अगर थोड़ा भी बचा है तो उसमें आप मिला भी सकते हैं, क्योंकि वो पानी के अंदर कुछ ऐसे कंपोजिशन हो जाता है जब मिट्टी में हम डालते हैं। इवन हम तो ये अब कहना चाहेंगे, मेरा और भी अनुभव मिट्टी को लेके भी हुआ है, ये तो पानी की बात है, आप अपने घर हर वक्त, लोग चप्पल पहने होते हैं, जूते पहने होते हैं, तो मिट्टी के कनेक्शन में हम आते नहीं है, घर तो मिट्टी के नहीं है, लेकिन कहीं घास में जाते हैं, कहीं और कहीं मिट्टी मिल जाती है, तो जरूर आप मिट्टी के कॉन्टेक्ट में आए, ये बात। और दूसरे जो पानी है उसको आप निकाल कर और चीजों में यूज कर लें, और दूसरा फ्रेश वाटर आप उसमें डाल लें पीने के लिए, और कोशिश करें कि इतना डालें कि आपका एक दिन में यूज हो जाए। मैंने भी एक समय बनाया है, मैं मॉर्निंग में उठकर अपने मेरा घड़े का पानी खत्म हो जाता है, इतना ही बड़ा हमने लिया है, थोड़ा बहुत अगर रहता है तो उसको हम निकाल लेते हैं, कभी ठंडे पानी से आंखों में छिट्टा उसका मार लेते हैं, कुछ ऐसे यूज में ला लेते हैं अगर 1-2 गिलास बचा हुआ है, और फिर मैं उसमें अच्छा, पानी मतलब डाल के, या पानी भरिए, अगले दिन खाना बनाने में यूज करें तो कोई बात हाँ नहीं। ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा, और उसको आप शशि जी, मैं थोड़ा बाल्टियों सा, में। मैं बीच में ये इंटरप्शन करना चाहूंगी, ये जानना चाहूंगी कि हम दूसरे दिन उस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हैं?
नहीं, आप कर तो सकते हैं क्योंकि कहीं भी जो पानी रखा वो स्टोर ही है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम फ्रेश पानी भरना चाह रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है ना कि नीचे जो पानी होता है उसमें कुछ मिट्टी वगैरह इकट्ठा भी हो जाती है, जो थोड़ा बहुत बचता है, तो उसको हम हिला के अगर निकाल देते हैं तो उसकी सफाई हो जाती। उनके जो पोर्स होते हैं ना, तो पोर्स बार बार उसी पानी को डालते डालते वो भी बंद होते हैं, तो फिर ठंडा नहीं होता पानी। तो एक वो बार हम तो थोड़ा हम दूसरे यूटेंसिल में डालते हैं ना, जैसे पतीले में पलट लिया और फिर उसमें भी मिट्टी नीचे ही बैठ जाती है, तो फिर ऊपर नीचे से हम खाना बनाने मेरे में भी यूज कर लेते हैं। ऊपर से, हाँ मेरे में भी हो जाता है। और फिर बीच में कभी कभी घड़े का सारा पानी निकाल कर थोड़ा उसको सुखाना भी चाहिए थोड़ा उसको, क्योंकि वो एक ही जैसे पानी के साथ साथ रहकर पानी में जो तत्व है कैल्शियम वगैरह उनके छिद्रों को बंद कर देते हैं, तो पानी फिर ठंडा नहीं होगा क्योंकि हवा का कनेक्शन नहीं ले पाता है। तो इस वजह से हाथ ना लगा के पानी को थोड़ा हिला के आप बर्तन में निकाल के कहीं यूज कर सकते हैं किसी भी काम में। हमारे ठीक यहाँ है। एक जगह थोड़ा सा पानी टपकता है तो मैं एक नीचे बाल्टी लगा देती हूँ, तो यहाँ तक कि मेरी जो घर में काम करती है वो उस पानी से पोछा लगाती, कभी भी उसको ऐसे उसने नहीं फेंका। ये तो मैंने उसको बताया भी नहीं कि इस पानी को मैं नहीं, यूज कर फेंकने का रही तो खैर एक बूंद भी नहीं सोचते हम लोग, हूँ। जैसे हाथ वाथ बहुत धोने हैं तो सारे वो लोग नीचे हैं, बर्तन रखते हैं, पहले वो तो पौधों मेरा को भी ही जाता ध्यान है। इतना नहीं जाता था, लेकिन अब छोटी छोटी बातों पर ध्यान जाता है, जैसे घर के अंदर खाने के छिलके जो होते हैं फलों के सब्जियों के, उनको ले जाकर जब हम उनको गाय वगैरह को खिलाते हैं इतना अच्छा लगता है। खुद जाना पड़ता है पानी का सेव करने में, और भी किसी इन सब बातों को लेकर आप देखें जो खुशी मिलती है ना वो किसी और चीज से, हाँ, मतलब मतलब ये इन खुशियों को एक विश्वास है कि भी आप ही ने जैसे बताया, यह बिल्कुल शास्त्रों वेदों में भी लिखा है कि प्रकृति की हम सुरक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी मदद करेगी। तो मेरे माइंड में ये बिल्कुल रहता है कम से कम अगले जन्म में ऐसी जगह तो नहीं ना पैदा होंगे जहां पानी ना हो, अभी पौधों को भी पानी हमें देना है सफिशियंट, तो बिल्कुल जितना जैसे भी हो हम स्टोर करते हैं, मतलब हाथ धोने या हंड्रेड यूज करना है। परसेंट ये बात सत्य है, चाहे शास्त्रों में है चाहे नहीं है या अनुभव से, कि आप अगर प्रकृति की सुरक्षा करेंगे तो प्रकृति का सुरक्षा कवच आपके ऊपर हमेशा लगा रहेगा, कहीं भी उसमें आप ये अब निडर विश्वास होकर है। रहेंगे। तो किसी भी अन्न का दाना जो हमने बचपन में सीखा था कि अन्न के दाना को भी बर्बाद नहीं करना है, आज के समय में लोग खराब हो जाता है फटाफट फेंक देते हैं है ना, तो उसको हाँ फेंकना नहीं उसको यूज में लाना है। अभी हमने आज एक खरबूजा निकाला तो वो ठीक नहीं लगा, तो ठीक है तुरंत ही हम ले जाकर, नहीं हमारे खाने लायक था, उतना भी खराब नहीं था, लेकिन हमारे खाने लायक अगर नहीं था क्योंकि हमारी टेस्ट बड कह रही है कि नहीं ठीक है ये, वो सेंस दे रही, तुरंत हमने जाकर गाय को खिलाया। और बाय द वे मुझे गाय उस समय एकदम खड़ी मिल भी गई, और आपको पता ही है आजकल के जानवरों के लिए हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है, सब जगह तो खेती बाड़ी हाँ कर डाली है, तो वो ये हम पास में परेशान। पार्क है, गिलहरियां इतनी ढेर है वहां, कुछ भी डालो फटाफट उठा के ले जाती हैं, तो पशु पक्षियों का काम आ जाता है। तो बस ये हम अगर करेंगे तो हमारा यूनिवर्स मदद करेगा, अब हमें यूनिवर्स का ही साथ पकड़ना है। इंसानों के साथ से तो हमने सबने देख ही लिया कि क्या हमारी गति हुई है, तो इसलिए थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत अच्छा। अब हम सभी ने एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा अनुभव शेयर किया और कुछ नए आइडियाज जो निकल के आए, जो हम सब एक दूसरे से शेयर करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, तो वो आज बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिला। सभी ने अपने बहुत ब्यूटीफुल थॉट शेयर किए, तो थैंक यू सभी को। और अब 4:23 हो गया है, तो हम यहीं पे आज का सेशन पांच समाप्त कर सकते हैं। तो अभी 2-4 मिनट बाकी हैं, अमित ने कुछ